गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माइ से सर मंदार टूडे वी विल लर्न अबाउट स्टोन एज स्टोन टूल्स चैप्टर नंबर सिक्स तो स्टूडेंट बिफोर द बिफोर दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न इवोल्यूशन ऑफ़ मैनकाइंड हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में फर्स्ट इज होमो हैबिलिस उसके बाद होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ा था बाद में होमो नियंत्रण के बारे में पढ़ा था बाद में होमो सेपियंस के बारे में पढ़ा था राइट सो स्टूडेंट टूडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर नंबर सिक्स स्टोन एज स्टोन टूल्स सो लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स स्टोनेज स्टोन टूल्स स्टोनेज उस समय के लोग जो पत्थरों का यूज करते थे और स्टोन टूल्स यानी कि स्टोन से पत्थरों से बनाए हुए हथियार हथियार बनाते थे वो टाइप के सिक्स पॉइंट वन टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टास्क जो काम करना है उस काम के लिए कौन सा पत्थरों का हथियार बनाते हैं कौन से स्टोन के टूल्स बनाते हैं वो है स्टोनेज टूल्स स्टोन एज उन लोग लो क्या टूल्स बनाते थे ये लेसन में है तो ये लेसन में हम आगे पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट वन टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स कॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टास्क जो काम करना है वही काम के लिए कौन से टूल्स बना देते पत्थरों के वो है इफ वी सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट बरीड इन द ग्राउंड वॉट वुड वी डू टू टेक इट आउट अगर स्टूडेंट्स अगर आपने देखा जमीन के अंदर कोई शाइनी जो शाइनी अगर है चमकता हुआ अगर एग्जाम्पल लो जमीन के अंदर अगर आपके कुछ एक रुपये आप कुछ एक रुपया गिराए और वो गिराए तो आप उसको कैसे निकालोगे एक रुपया वो धूप में शाइनिंग करेगा राइट बरीड़ यानी दफन किया हुआ उसको शाइनिंग कर रहा है वो राइट उसको आप कैसा निकालोगे जमीन से उसको कैसे निकालोगे राइट right? तो परि वुड स्क्रैप इट आउट विथ आर फिंगर्स फिर आप क्या करोगे आपकी उंगली से आप उसको निकालना लगोगे राइट right? अगर आपको रास्ते में कुछ गिरा हुआ दिखता रहेगा तो आप उंगली से निकालोगे इफ दैट डिड नॉट वर्क अगर वो काम नहीं आया वी माइट ट्राई टू डीक इट आउट विथ अ ट्वीक और स्टिक तो आप क्या करोगे स्टिक लोगे लकड़ी लोगे लकड़ी से आप उसको डिक करने लगोगे लकड़ी से निकालना लगेगे राइट इफ दैट टू डिड नॉट वर्क आगे वो भी काम नहीं आया वी वुड हैव टू लुक फॉर अ पॉइंटेड स्टोन फिर हम लोग क्या करेंगे पॉइंटेड जो नोकिला पत्थर रहेगा उसको ढूंढने लगेंगे राइट right? हाथ उंगली से भी नहीं निकला स्टिक से भी नहीं निकला तो हम क्या करेंगे नोकिले नोकिले वाला पत्थर हम ढूंढने लगेंगे फिर उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे दैट शुड डू द जॉब तो वो हम काम करेंगे बट बट इफ इट स्टिल डजन दे वुड हैव टू गेट एन आयन रॉड टू डिक दैट शाइनिंग ऑब्जेक्ट आउट अगर वो नोकिला पत्थर भी काम नहीं आया तो आप क्या करोगे आयरन रॉड लोगे लोखंड का एक रॉड लोगे उससे डिक करना लगेंगे उससे आप निकालना निकलने निकालने की कोशिश करेंगे जो शाइनिंग हो रहा है वो ऑब्जेक्ट दिस शो डैट वी नीड टू चूज द टूल अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क तो यही है यही दिखाता है कि वो ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए आपको कौन से सही टूल्स सही हथियार चाहिए और वही हथियार आप बनाने की ढूंढने की कोशिश करोगे ओके okay? फॉलोइंग फोर फैक्टर्स डिटर्मेंट आर चॉइस ऑफ टूल्स अब ये चार फॉलोइंग फैक्टर्स है टूल्स के आप कैसे चूज करोगे टूल्स को अगर आपको कुछ एक टास्क है तो आपको चूज टूल्स को कैसे चूज करोगे तो चार फैक्टर है फर्स्ट इज अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस जो आपके पास जो अवेलेबल है आप वो देखोगे सेकेंड मिनिमल यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी कम से कम कम से कम आपका समय समय लगे और आपकी एनर्जी लग लगे मतलब आपकी कम से कम टाइम टाइम लगना चाहिए कम से कम टाइम लगना चाहिए और आपकी एनर्जी भी कम लगनी चाहिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए और एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए अब वो देखोगे मैक्सिमम एफेसेंसी देखोगे फोर्थ इज स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज ऑक्यूर थ्रू प्रैक्टिस और वो टूल्स को हैंडलिंग करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए राइट right? ये चार ऑफ फैक्टर देखोगे ओके एप्स लाइक द चिंपांच आल्सो ऑल्सो यूज स्टोन्स टू ब्रेक सीड्स एंड नट्स सुनो चिंपांजी आपको मालूम है चिंपांजी बंदर बड़ावा बड़ा बंदर उसको कहते हैं आप चिंपांजी अपने पिक्चर भी देखा है होगा किंग कॉन्ग राइट किंग कॉन्ग ये वो है चिंपाजी है ओके वो चिंपांजी अगर उसको सीड्स और नट्स तोड़ना रहता है तो किसका यूज करता है यस वो स्टोन से क्या करता है तोड़ने की कोशिश करता है वो स्टोन से तोड़ता है सीड्स एंड नट्स दे यूज स्टिक टू स्टर द एंड्स आउट फ्रॉम द हिल्स टू कैच और एंड देगी मुंगी।, मुंगी को बाहर निकालने के लिए वो स्टिक को यूज करता है और वो आंट को बाहर निकालता है बाहर निकाल के उसको कैच करता है ह्यूमंस टू ऑलवेज बी

with continuous and minute observation experimentations and their inborn imaginations human learn that they could sharpen rods bones sticks and stone into tools to carry out their tasks more efficiently students kuch हमने कुछ मिनट में ऑब्जर्वेशंस किए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जैसे कि जो भी आपको टूल जो भी अपने काम के जो भी टूल्स लगते हैं आपने क्या किया उसको अपने आप को एक्सपेरिमेंट करते गए क्यों कौन सा यूज आ रहा है कौन सा ये काम के लिए कौन सा टूल्स यूज होगा ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे लेकिन ह्यूमन लर्न हमने भी सीखा दे देखूड शार्पन द रॉड्स उसने रॉड को भी नोके लिए किया जैसे कि आप पेंसिल को शार्प करते, करते, करते हो शार्प करते हो उसको नोक करते पॉइंटेड होते तो जो शार्पन रॉड्स रॉड्स को भी उन्होंने नोक किया हुआ है बोन्स हड्डी को भी नोक किया हुआ है स्टिक लकड़ी को भी नोक किया हुआ है एंड स्टोन्स और स्टोन को भी नोक किया हुआ है. इन टूस टू कैरी आउट दैट टास्क मोर इफेंशियली दे ऑल्सो लर्न दैट दे कूड गिव दिस ऑब्जेक्ट एनी शेप दे डिजायर और उन्होंने ये भी सीखा कि हम ये हथियारों को अलग अलग तरीके से शेप भी दे सकते हैं और जो इन्होंने हत्या रॉड्स बोन्स स्टिक्स एंड स्टोन्स ये जो हथियार ये जो टूल्स बनाए वो शिकार के लिए बनाए थे कि किस तरह से शिकार करना है ये सिखाता और उसके बाद यही टूल्स बनाते बनाते उन लोग ने और एक चीज़ सीखी थी ये टूल्स को शेप देना वो टूल्स को अलग अलग तरीके से उन लोग शेप भी देते थे

them because they were found near his remains. और इसे भी हम कह सकते हैं कि जो stone tools वहाँ पे मिले हमें homo habilis के ही जानकारी से मिले। homo habilis है और homo habilis ने ही stone tools बनाए थे। but but did he make only stone tools? क्या homo habilis ने सिर्फ स्टोन के ही टूल्स बनाए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन इज नो नो स्टूडेंट्स सिर्फ स्टोन के ही टूल्स नहीं बनाए बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल एज वेल और उन्होंने अलग अलग मटेरियल के भी टूल्स बनाए हैं सिर्फ स्टोन के ही सिर्फ स्टोन के ही टूल्स बनाए नहीं है किसने होमो हैबिलिस ने हाउएवर ऑफ द टूल्स मेड बाय ह्यूमंस थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो हजारों साल पहले ओनली द स्टोन टूल्स कैन बी फाउंड टुडे आज सिर्फ हमें स्टोन के टूल्स स्टोन से बनाए हुए हथियार मिल रहे आज में हमें सिर्फ जो पत्थरों से हथियार है वही हमें मिले हैं टूल्स मेड फ्रॉम बोन रेयरली फाउंड जो बोन से बनाए हुए हथियार है वो कम ही मिले हैं हमें रेयरली फाउंड जो बोन से बनाए हुए हत्यारे हमें बहुत ही कम मिले हैं। रेयरली फाउंड बट सिंस ट्वीट एंड स्टिक्स डीकम्पोज इजिली जो ट्विक्स एंड स्टिक्स के हथियारोट फाइंड एनी टूल्स मेड फ्रॉम देम जो ट्विक्स और स्टिक्स से बनाए हुए हथियार है वो हमें अभी तक मिले नहीं है तो स्टूडेंट होमोहेबिल ने सिर्फ स्टोन के टूल्स नहीं बनाए बहुत सारे मटेरियल के टूल्स बनाए ओके स्टूडेंट्स तो आपको बता दो कौन से कौन से हथियार है कौन से कौन से टूल्स है ये पिक्चर है फर्स्ट इज टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स और ये जो टूल्स है जो आप वो इमेज देख रहे हैं टूल्स का ये टूल्स सिर्फ स्टोन एंड बोन से ही बनाया हुआ है फर्स्ट इज अ चॉपर फर्स्ट इज अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल फर्स्ट इमेज देखो अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल सेकेंड इमेज देखो अ स्क्रैपर थर्ड इमेज देखो अ सर्कुलर हैमर स्टोन फोर्थ देखो अ चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लेक ऑफ स्टोन फिफ्थ है अ ब्रॉर मेड फ्रॉम अ बोन बोन से बनाया हुआ है सिक्स इज एन एंटीलर यूज एज अ पी सिक्स इज सिंह जैसा लग रहा है आपको राइट right? वो किससे बनाए द एंटिलर यूज एज अ पी आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड अबाउट अस्टोनेज स्टोन टूल्स सिक्स पॉइंट वन टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टास्क ये हमने पढा था आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न सिक्स पॉइंट टू सिक्स पॉईंट टू स्टोन एज टूल्स इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट दिस सो स्टे होम स्टे सेफ